सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं इस कैमरा लाइट इफेक्ट के बारे में, जिसे आप इनेबल करके आप जो है आसानी से बहुत ही अच्छा एट्रैक्टिव यहां पे लुक अपने फोन को दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पंच होल वाला फोन है, मेरे पास ये रेडमी नोट 9 प्रो है और आज मैं इसमें आप लोग को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है तारिफ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टिकटेक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो दोस्तों आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने जो है प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है एनर्जी लाइट। यहाँ पे जो पहला आप लोग को जनरल एडिशन देख रहा है उस पर आप लोग को क्लिक करके और इसको जो है आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ये दोस्तों 6.6 एमबी का है और आपको इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा एमबी खर्च नहीं होने वाला है, सिर्फ आप लोग 6.6 एमबी में अपने फ़ोन को जो है अट्रैक्टिव यहाँ पे लुक जो है दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बार से ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि इसको जो है आपको सेट कैसे करना है। जब भी यहाँ पे ये चार्ज होगा तो इसका जो है यहाँ पे लाइट वो आपको जलेगा और आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे इंडिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया है और इसको आप जैसे यहाँ पे ओपन कीजिएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर में आप लोग को यहाँ पे जो है स्विच ऑन करने के यहाँ पे जो है सिंबल दिया हुआ है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, आप जो है यहाँ पे एसेसिबिलिटी में आ जाएंगे। वहाँ पे आप लोग को मोड में जाके यहाँ पे एसेसिबिलिटी इसको देना है और यहाँ पे आप लोग को इसको अलाउ कर देना है। जैसे यहाँ पे अलाउ कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आप लोग को दिखाई देंगे, जिसको ये जो है यहाँ पे बंद करने के लिए और यहाँ पे जो है आप लोग को बैटरी को बढ़ाने के लिए ये सब यहाँ पे बताया गया है। अब दोस्तों आप लोग को ये जो है पूरी तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप इसमें कैसे इसको जो है सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, नहीं तो आप यहाँ से जाके इसको भी अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को फिर से चलना है बैक और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो शेडो है यहाँ पे हल्का हल्का आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो थिकनेस है, तो यहाँ पे अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो इसका जो थिकनेस है कैमरा लाइट इफेक्ट का, यहाँ पे ये जो है बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे ये जो क्लॉक है, यहाँ पर से आप इसको जो है सेटल कर सकते हैं कि कहाँ से ये ऑन होगा और कहाँ पे ये जो है ऑफ होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को नीचे में दिखाई दे रहा है सो ऑन लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पे अगर आप उस पर अगर आप टैप कीजिएगा तो ये लॉक स्क्रीन में भी दिखाई देगा और यहाँ पे नीचे में एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दिए जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो फुल स्क्रीन जब यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन होगा तो उस वक्त आपका जो है ये जो है काम नहीं करेगा। यहाँ पे दोस्तों नीचे में आप लोग को चार्जिंग एनिमेशन में बहुत सारे एनिमेशन आपको दिए गए हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन वाला भी चेक करके आप लोग को दिखलाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे चार्ज में लगाते हैं तो हमारा फोन देखिए यहाँ पे चार्ज होने लगा है और यहाँ पे जो है रिंग लाइट है ये यहाँ पे जो है मूव होने लगा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है इसका एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी लीनियर में है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन में कर देते हैं ये यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे घूमेगा, अगर यहाँ पे दूसरे में अगर आप करते हैं तो अगर आप यहाँ पे बाउंस में करते हैं तो ये आप देखेंगे कि बाउंस बैक जैसे ये काम यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में तो यहाँ पे आप लोग को कलर कन्वर्सन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। अगर यहाँ पे आप जो है मर्ज सेगमेंट पे कीजेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे इसको जो है बताया गया है। अगर यहाँ पे ग्रेडियंट पे कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे रहेगा और यहाँ पे अगर ग्रेडियंट पे करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को मैं यहाँ पे बतला दूँ कि यहाँ जो सेगमेंट है यही यहाँ पे फ्री है, बाकी सबको आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे में जो आप लोग को दिया गया कि इतना से इतना परसेंट अगर आपका बैटरी होगा तो ये हरा जो होगा और उसके बाद अगर उतना से उतना रहेगा तो आपका जो है यहाँ पे कलर ऐसा होगा और यहाँ पे 33 से यहाँ पे 56 तक रहेगा तो आपका जो है ऑरेंज दिखेगा और 1 से 32 तक रहेगा तो ये यहाँ पे जो है रेड दिखेगा। तो ऐसे करके इसका जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया गया है जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसको बनाता है। अब यहाँ पे आप लोग को मैं बैटरी वाला बता देता हूँ, तो इसके लिए आपको सेटिंग में चलना है और सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को सबसे यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन दिख रहा है उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन में जाना है। जैसे यहाँ पे आप मैनेज एप्लीकेशन में जाएंगे यहाँ पे ऊपर में ही आप लोग को एनर्जी रिंग जो है जनरल एडिशन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑटो रीस्टार्ट पे क्लिक करके इसको जो है ऑन कर देना है और उसके बाद आप लोग यहाँ पे सबसे नीचे में जाना है और यहाँ पे बैटरी सेवर देख रहा है तो इसमें आप लोग को बैटरी सेवर से हटा के नो रिस्ट्रिक्शन पे आप लोग कर देना है, जिससे आपका बैटरी जो है यहाँ पे बैकग्राउंड में ये यहाँ पे नहीं खाएगा और जब भी ये फोन स्टार्ट होगा स्विच ऑफ होकर ये जो है ऑटो रन हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।